के सभी सदस्य आपका आभार से स्वागत करने हेतु संघ के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मी नायक जगत सत्यनारायण महोदय जी का भी पूजन आपका भी स्वागत करें। गौतम जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और कृपा कोषाध्यक्ष महोदय एवं ग्रंथालय सचिव श्री रवि पांडे जी को विवेक पांडे जी को मैं मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती रश्मि पांडे कार्यकारिणी मैं आमंत्रित करता हूँ। राकेश अखिलेश द्विवेदी से निवेदन करता हूँ आप आए और संघ के अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण से विनय उपाध्याय जी से निवेदन करता हूँ और सत्याधीश महोदय का माल्यार्पण से स्वागत करें। दत्ता सीनियर से भी मेरा निवेदन है कि आप आए और सांसद महोदय का माल्यार्पण आप आए और माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री का मौका मिला था जब चुनाव के समय राहुल जी हमारे यहाँ हमारे अधिवक्ताओं से मिले उस समय हम लोगों के सभी अधिवक्ताओं में खुशी भी जाहिर हुई थी कि चलो इस समय हमारे बिलासपुर के सांसद अधिवक्ता को चुनने का मौका मिल रहा है। हम सभी लोग उस समय भी उनको आश्वासन किए थे कि जितने अधिवक्ता है और उनके अधिवक्ता के जितने सहयोगी परिवार के परिचित हैं सभी से हम निवेदन करेंगे इस समय अधिवक्ता समूह से एक सांसद को सांसद हेतु टिकट प्राप्त हुआ है तो सभी लोग देश भर से सभी इनको बहुमत से जीता है और उनकी जो अपेक्षाएं हम सभी अधिवक्ताओं बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ और बिलासपुर के जितने अधिवक्ताओं की अपेक्षाएं थी उस अपेक्षाएं को हम लोग पूरा करने में पूर्ण रहे। अब हमारी नौबत आई है कि हमारे अधिवक्ता संघ जिस उम्मीद से हमारे साहू जी को ले लिए थे उनके और बैठे की व्यवस्था के लिए ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम रहते हैं तो मैं अधिवक्ता संघ की ओर से और सभी अधिवक्ताओं की ओर से मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे अधिवक्ताओं की पूर्ण इच्छा तो पूरा न कर सके मगर उनकी जो थोड़ा बहुत इच्छा है जैसे मेरा निवेदन है कि लाइब्रेरी एक हमारी बहुत अहम मांग है। लाइब्रेरी हमारी पूर्ण रूप से व्यवस्थित रहेगा तो निश्चित है हमारे अधिवक्ताओं को वकालत करने के लिए और अपने पैरवी करने के लिए बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। राहुल जी एक वकील होने के नाते और वकीलों की क्या प्रॉब्लम हो सकती है वकीलों को ये है कि